जिला युवा एवं सेवा खेल अधिकारी रमा शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन चंबा ग्राउंड मैदान में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जिला भर से प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर यहां 11 विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकगीत, सामूहिक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र, एकाकी, बांसुरी वादन, तबला वादन, सितार वादन, कथक नृत्य आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला स्तरीय युवा उत्सव से चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आज चंबा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें की 100 प्रतिभागी लगभग भाग ले रहे हैं। इसमें 11 प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, एकाकी, बांसुरी वादन, हारमोनियम आदि शामिल है। इसमें जो चयनित होंगे प्रतिभागी उनको जो है स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल आयोजित होगा धर्मशाला में इस माह के अंत में, उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। और यदि उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसमें उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय स्तरीय उत्सव है आयोजित होगा, उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। मुख्य देश उद्देश्य इस कार्यक्रम का जो ग्रामीण स्तर पर छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं उनको जो है विभाग इस कार्यक्रम के माध्यम से प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। जिला युवा एवं सेवा खेल अधिकारी रमा शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन चंबा ग्राउंड मैदान में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जिला भर से प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर यहां 11 विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकगीत, सामूहिक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र, एकाकी, बांसुरी वादन, तबला वादन, सितार वादन, कथक नृत्य आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला स्तरीय युवा उत्सव से चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आज चंबा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें की 100 प्रतिभागी लगभग भाग ले रहे हैं। इसमें 11 प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, एकाकी, बांसुरी वादन, हारमोनियम आदि शामिल है। इसमें जो चयनित होंगे प्रतिभागी उनको जो है स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल आयोजित होगा धर्मशाला में इस माह के अंत में, उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। और यदि उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसमें उसके बाद जो आपका राष्ट्रीय स्तरीय उत्सव है आयोजित होगा, उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। मुख्य देश उद्देश्य इस कार्यक्रम का जो ग्रामीण स्तर पर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको जो है विभाग इस कार्यक्रम के माध्यम से प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है।